बताते हैं कि फर्स्ट ईयर जेएनएम में कौन सा सब्जेक्ट था। सिंह पढ़ने का डिसीजन तू लोग खुद का था या पेरेंट्स के प्रेशर से आई है? ऑल ओवर जेएनएम इज बेस्ट। हेलो गुड मॉर्निंग, ब्लॉग की शुरुआत तू ही कर दे, चल दे मुझे इससे। मैं बोल रही हूँ स्टार्ट कर दे आज मेरे ब्लॉग की, तू मतलब लिपस्टिक लगाने में ही बिजी है तो मैं क्या ही अभी करूँ। हाँ कर दे भाई, वीडियो ऑन है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, और आज अभी से हम लोग हमारा ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, और इस ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। इस ब्लॉग में आप लोग जो लोग नर्सिंग पढ़ना चाहते हो या नर्सिंग कर रहे हो, इस उसके रिलेटेड ही कुछ है, उसके रिलेटेड कोई और इसको देखो ऊपर से क्या गिर गया नीचे ये देखो ये ऐसे दिखा रही है ना, तो नजर जब लग जाएगी ना सब हेयर्स। आपको मेरा हेयर केयर रूटीन चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना, जब नजर लग जाएगी ना एक भी बाल नहीं रहेगा। मैं जो बोल रही थी, तो इस ब्लॉग में कुछ नर्सिंग का रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो छोटे छोटे बहन लोग जो नर्सिंग करने वाले हो या फर्स्ट ईयर में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हो लेकिन कॉलेज नहीं आए हो, उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अभी तो फिलहाल हम रेडी होने के लिए जा रहे हैं, हम लोग कॉलेज जाना है। हम लोग सुबह सुबह उठ के नहा धो के सब रेडी हो गए, अब हम लोग यूनिफॉर्म पहनना है, फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, फिर हम लोग को फिर से कॉलेज जाना है। कॉलेज में जाके मतलब असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, फिर क्लासेस भी करना है। आप लोग हमारे साथ बनते रहिए, सक्सेस। क्यों इतनी नौटंकी मारती है मुझे समझ में नहीं आती है। वो वहाँ झगड़ा कर रही है, झगड़ा भी नहीं, मैं एकदम अपने लाइफ में बिल्कुल हैप्पी हैप्पी। इतना नॉटिंग करने की कोई जरूरत। सुन आज मैं तेरे पास जाऊंगी और तुझे जाके कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, मतलब ये नर्सिंग के रिलेटेड बता देना, और ताकि उन लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए, ठीक है? प्रिंसिपल नहीं है, मतलब सबकी राय चाहिए। आज इस वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, हम सब लोग मिल के उन लोगों को। हाँ तेरे पास भी आऊंगी, तुझे कुछ पूछूंगी वो भी बता देना, ठीक है? चलो ये लोग तो रेडी हो गया लेकिन मैं अभी तक ये हर टाइम लेट करता है, ये मतलब सुबह में उठने भी लेट करते हैं, पर ये सुबह मतलब ब्रश करके फिर से सो जाती है। ये मतलब यहाँ रहने से ना क्या होता है, हमेशा एक प्रेशर मतलब रहता है पे? बाथरूम जाने का एक प्रेशर रहता है कि हाँ सबसे आगे जाके सब कुछ करके फिर से सो जाओ, तब प्रेशर फ्री हो जाओ एकदम से, मतलब उतना हेडेक नहीं रहता है। सब लोग तो तैयार हो गया लेकिन मैं फिर से सो गई थी और बाकी का कुछ काम कर रही थी। फिर से तुझे ब्रश करना पड़ेगा? नहीं मैं उतनी सुबह भी नहीं उठी थी। ये सुबह उठ के मतलब जीरा जो है ना, जीरा क्यू मींस जो होता है ना, क्यू मींस और वाटर, वो मतलब गर्म करके मैं ब्रेकफास्ट करने नहीं जाऊंगी, तो मैं पास्ता बनाऊंगी, चीज पास्ता, और ये है चीज पास्ता भी मैं बनाऊंगी। हम लोग आफ्टरनून जाएंगे, आफ्टरनून इंटरनल है। इंटरनल आज मैं पक्का नहीं दूंगी, क्योंकि 1 वीक से मैं इंटरनल का वेट करी, इंटरनल तो हो नहीं रहा है, तो मैं इंटरनल नहीं देने वाला। चलिए ठीक है, मैं भी जाके इन लोगों की तरह तैयार होके आ जाती हूँ। हम लोग जाएंगे नहीं नहीं वो जीरे है जी, तो इस लड़की ने खाया और ये धोए धोया भी नहीं इसने। अरे नहीं तब बाथरूम ब्लॉक खाना है इसलिए। हनी खाता है जीरे, जीरे राइस खाते हैं, ग्रीन टी, जीरे पानी, जीरे पानी खाते हैं, पर फिर भी बिरयानी टक 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 खा लेती है। आपको समझ नहीं, हम लोग चिकन भी खा लेती है। इतना झूठ, तू मत आ तू मेरे पास। तीन चिकन दो ये खाती है, हम लोग सिर्फ एक खाते हैं। प्लीज इग्नोर इट। चलो मैं जाके थोड़ा रेडी होके आती हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है बहुत। उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। इसको देखो, दुनिया भर के सब चीजें इसके हाथों में। वाटर स्टोर करके रखना पड़ता है यहाँ पे, पता नहीं अब कभी बाथरूम का पानी चला जाता है, कभी खाने का पानी चला जाता है, खाने का नहीं पीने का पानी। ये लड़की और इसका जो बहन है ये हमेशा मेरे पानी ले लेता है। वो अभी सीरियस मूड में है, अभी उसको छोड़ दो। मतलब सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे खाने के लिए नहीं जाना है, पर वो खाने के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हाँ अगर थोड़ा साउंड थोड़ा लाउड करेगी तो अच्छा होता। ले आपने मुझे सुना नहीं, पास्ता रुक भाई रुक जा थोड़ा। हम लोग खाना लाने के लिए जाए, तू नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, आऊंगी। मेरे कप लेके चाय लेके। हाँ ठीक है,
तुम्हारा हॉस्टल का एक गंदा ब्रेकफास्ट है। चलिए खाना पड़ रहा है, मुझे मैगी बनाने में थोड़ा आलसी हो रही थी इसलिए मैं यही खा रही हूँ। ऐसा होता है ना, आलसी लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे आलसीनेस का एक फल है। थोड़ा तेज बोल सकती है तू, इतना धीरे धीरे बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेंगे। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, अभी हम 5-10 मिनट के अंदर हम लोग निकलने वाले हैं। तो हमारा जो यूट्यूबर दीदी है उसको निकालना एक बड़ा बात है, तो उसको निकाल पाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर जाके प्रेयर करना पड़ेगा, फिर कॉलेज जाएंगे, और उसके बीच बीच में हम देते रहेंगे हमारा टॉपिक जो था इज जेएनएम नर्सिंग गुड और बैड, टेल देम। तो मेरे लिए, मुझे तो जब मैंने जेएनएम नर्सिंग डिसाइड किया और मुझे जो ये जेएनएम करने का प्लान और मैं जो कर रही हूँ, तो मुझे मतलब आने के बाद जो फील हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो जेएनएम करना सही लगता है क्योंकि मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, फिर ये मतलब बहुत अच्छा कंफर्टेबल जॉब है और अच्छा लगता है। और ये लड़की अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन है तो बहुत सारे। तो हम लोग अभी बताते हैं कि फर्स्ट ईयर जेएनएम में कौन सा सब्जेक्ट था। फर्स्ट तो था साइकोलॉजी, सेकेंड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों मिलके एक ही सब्जेक्ट था। फिर एनाटॉमी में था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मिला के एक सब्जेक्ट था। फिर फंडामेंटल और फर्स्ट एड मिला के एक सब्जेक्ट था। फिर और कम्युनिटी के साथ न्यूट्रिशन भी था। तो मतलब सब्जेक्ट तो 10 था, 10 सब्जेक्ट है, लेकिन एग्जाम सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही होता है, मतलब मिला मिला के, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट दोनों में है तो इसलिए एग्जाम एक ही बार होता है, तो इसलिए 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, लेकिन हमारा टोटल सब्जेक्ट है 7। हाँ, 7 सब्जेक्ट्स था। और सेकेंड ईयर जेएनएम का बता दें, सेकेंड ईयर जेएनएम में लिखना होता था वो था फंडामेंटल, और सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट का लिखना पड़ेगा, चारों का लिखना पड़ेगा, सबका मतलब असाइनमेंट लिख लिख के हाथ में दर्द हो रहा है। यहाँ आने के बाद से तो मतलब जीना हराम हो गया है हमारा। अच्छा तू बोल, तू लोगों का मतलब यहाँ नर्सिंग पढ़ने का डिसीजन तू लोगों खुद का था या पेरेंट्स के प्रेशर से आई है? मेरा तो खुद का ही था, मेरा खुद का ही था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं जब आना चाहती थी तब मुझे लगता था कि मतलब पापा मम्मी ऐसा नहीं कि उन लोग मना करते थे, लेकिन उन लोगों को मतलब वो लोग ऐसा भी सोचते थे कुछ और भी कर लें, लेकिन मेरा जिद था मैं यही करूँगी, इतना लिखना पड़ता इतना, मुझे पता नहीं था। प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है हम सब लोगों को, लेकिन अच्छा ही लगता है, थ्योरी किसी को भी पसंद नहीं है। ये इस देखो कॉलेज में इतना बोरिंग है, इतना बोरिंग है, कुछ कोई नहीं। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग मतलब एक एक करके बताओ कि तुम लोग अपने मर्जी से आए हो या फैमिली के फोर्स थे? मैं बोलती हूँ कि मेरा ऑब्वियसली खुद का डिसीजन था, मम्मी पापा पहले राजी नहीं हुए थे क्योंकि इतना दूर कभी पहले नहीं गया तो कैसा लग रही, पर धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिकल करना ज़्यादा अच्छा लगता है जीएनएम में, और बेसिकली हॉस्टल में लोग फुल फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, इसलिए बहुत मज़े से रहती हूँ, पर कॉलेज जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर ऑल ओवर जीएनएम इज बेस्ट। और मेरा तो दोनों ही था, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं, मतलब पेरेंट्स की बात सुन के भी मैं आई हूँ, और खुद का भी डिसीजन था, तो यहाँ आके अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद करती हूँ, पढ़ाई वढ़ाई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो और यहाँ आने के बाद तो ऐसे ही लिखते लिखते हमारा हालत पूरा ख़राब हो गया है, और बाकी का सब कुछ मैं यहाँ बहुत इंजॉय करती हूँ, और आप लोग अगर यहाँ आके पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, और जीएनएम नर्सिंग तो जो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो आप सब लोग कर सकते हो, लड़का हो लड़की हो सब लोग आप कर सकते हो। मेरा मतलब मेरा कोई मतलब पहले से ठीक नहीं था कि मैं नर्सिंग पढ़ने आऊँगी, लेकिन मुझे मतलब मेरा मुझे अच्छा लगता है नर्सिंग, ये नर्सिंग का जो कोर्स है वो। और तो ये था हमारा एक्सपीरियंस जेएनएम नर्सिंग का, और मैंने जैसे कि बोला आप लोगों को कि आप लोग यहाँ आके आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ही एंजॉयमेंट होता है हॉस्टल में, तो ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं, और बाकी का पढ़ाई तो है ही जो कि हम लोग हाँ करती रहते हैं, और आज भी और ये मानव
रिकॉर्ड भी अच्छा है। और आज के ब्लॉग के बाद अगर किसी का मन में भी इसको लेके आज का टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चन हो जाए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। और नर्सिंग मतलब एक बहुत ही अच्छा लाइन है लड़कियों के लिए स्पेशली, आप भी ट्राई करो। नर्सिंग लड़की को डिपेंडेंट बना देता है फुल, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है सब में, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और क्या है, और कुछ भी नहीं, बस नर्सिंग के लिए तो ऑफकोर्स आए बेंगलोर में, तो उससे हमारा कॉलेज ही ज्वाइन कर सकते हो, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, उसको भी बोल लेना। मैं बोल रही थी कि अभी